सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ इकसाम क्या है, आप समझ सकेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या क्या काम सर अंजाम देता है, और आप ये भी जान जाएंगे कि सॉफ्टवेयर का वर्जन किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर। आप हार्डवेयर के बारे में तो जान गए, लेकिन कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसे ना तो हम छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपने जहन में कुछ सोचते हैं। मसलन अगर आपने अपने किसी दोस्त के घर जाने का प्रोग्राम बनाया है तो वो एक सॉफ्टवेयर है, उसे ना तो आप छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। फिर आपका जहन उसी प्रोग्राम के मुताबिक आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को हिदायत देता है, मसलन उठो, चलो, बस स्टॉप पर जाओ वगैरह। इसी तरह सॉफ्टवेयर भी हदायत का मजमुआ है। कंप्यूटर का प्रोसेसर इसी सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर को हदायत देता है और इससे काम लेता है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी इस कोर्स को देख और सुन रहे हैं, ये भी सॉफ्टवेयर की वजह से मुमकिन है। आपने देखा होगा कि रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ चीजों के मॉडल होते हैं। मसलन गाड़ियों में होंडा के मुख्तलिफ मॉडल सिविक, सिटी, एकॉर्ड वगैरह हैं। इनमें भी हर साल नए मॉडल आते हैं। हर नए मॉडल में कुछ इजाफी खूबियां होती हैं और जो खामियां पिछले मॉडल में होती हैं वो नए मॉडल में खत्म कर दी जाती हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर के भी मुख्तलिफ मॉडल या वर्जन होते हैं। हर नया वर्जन पिछले वर्जन से कुछ ज्यादा खूबियों का हामिल होता है। मेन कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर के तीन बुनियादी अकसाम हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नामों से जानी जाती हैं। आइए अब हम आपको इनके बारे में तफसील से बताते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मॉनिटर करने और कंट्रोल करने का जिम्मेदार होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसालें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। आए हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम होटल के मैनेजर की मानंद है। जिस तरह एक होटल का मैनेजर एक होटल को मैनेज करता है, यानी वो देखता है कि कितने कमरे खाली हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ ठीक हैं, स्टाफ के किस मेंबर ने आज क्या काम करना है वगैरह। मुख्तसरन ये कि वो होटल के कस्टमर यानी यूजर को तमाम सहूलियात फराहम करने का जिम्मेदार होता है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर तमाम कामों को मैनेज करता है, यानी डिस्क पर इंफॉर्मेशन किस तरह सेव होगी, प्रिंटर कब प्रिंट करेगा, डेटा मेमोरी में कब और कहां स्टोर होगा, या कोई प्रोग्राम कैसे चलेगा। मुख्तसरन ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरमियान ताल्लुक कायम करता है और यूजर को हार्डवेयर इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करता है। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए आप ये लेसन को सुन और देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से वर्जन आ चुके हैं, जैसे कि विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 वगैरह। डिवाइस ड्राइवर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरी अहम कैटेगरी डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली हार्डवेयर को फिजिकली मैनेज करता है। जिस तरह एक होटल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक गाड़ी होती है जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि प्रिंटर ने क्या प्रिंट करना है, मगर असल में प्रिंटर से प्रिंट कराने का जिम्मेदार प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर होता है। इसी तरह हर डिवाइस के अलग-अलग डिवाइस सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आइए अब हम सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी को देखते हैं जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको समझने के लिए भी हम होटल की मिसाल देखते हैं। जिस तरह एक होटल में मुख्तलिफ चीज़ों को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ लोग मौजूद होते हैं, मसलन बिजली में अगर कोई ख़राबी हो तो इलेक्ट्रिशियन होगा, फर्नीचर में रिपेयरिंग के लिए कोई और लोग मौजूद होंगे, उसी तरह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को मेनटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन स्कैन डिस्क और एंटीवायरस वगैरह, जिसके बारे में आप अगले लेसन में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप
सिस्टम्स सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में तो जान चुके हैं, आइए अब हम आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम अपनी होटल वाली मिसाल पर दोबारा गौर करें तो हम देखते हैं कि हर काम को करने के लिए अलहदा लोग मखसूस होते हैं। मसलन रिसेप्शनिस्ट का काम आने वाले कस्टमर को गाइड करना और उनकी बुकिंग के मुताबिक उनको जगह फराहम करना है। अकाउंटेंट का काम रोजमर्रा के लेन देन की तफसीलात दर्ज करना है। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके जरिए यूजर अपने रोजमर्रा के मुख्तलिफ काम आसानी से सरंजाम दे सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म है। मसलन इसके जरिए लेटर्स फॉर्म्स और मेमोज वगैरह लिखे जा सकते हैं। रोजमर्रा का हिसाब किताब करना, प्रेजेंटेशंस बनाना या कोई ड्राइंग्स बनाना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए मुमकिन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत से सॉफ्टवेयर शामिल हैं और ये नए नए सॉफ्टवेयर मार्केट में दिन ब दिन आते भी रहते हैं। यहाँ हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ मशहूर इकसाम की बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के मायने अल्फाज पर कुछ प्रोसेस करना है, लिहाजा ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो अल्फाज या टेक्स्ट पर कोई काम करते हैं उन्हें हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। पहले वक्तों में टाइपराइटर को इस्तेमाल करके फॉर्मल टेक्स्ट यानी खतूत और मेमो टाइप किए जाते थे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किए जाने के बाद कंप्यूटर को लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए कीबोर्ड की मदद से कुछ भी टाइप किया जा सकता है। और न सिर्फ इसको टाइप किया जा सकता है बल्कि अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो उसको कागज पर प्रिंट करने से पहले ठीक भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसे महफूज भी किया जा सकता है और बाद में जब चाहे इसे दोबारा देखा जा सकता है और तब्दील भी किया जा सकता है। इसमें हमारी जरूरत के लिहाज से लिखाई को बड़ा या छोटा करने की सहूलत भी मौजूद होती है। इसके अलावा आप इसमें लिखे हुए टेक्स्ट के स्पेलिंग्स भी चेक और ठीक भी कर सकते हैं। अखबारात और रसायल वगैरह भी वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर के जरिए ही तैयार किए जाते हैं। आजकल इस्तेमाल होने वाले एक मशहूर वर्ड प्रोसेसर का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। स्प्रेडशीट इन कागज की शीट्स को कहा जाता है जिन पर हिसाब किताब या कैलकुलेशंस की जाती है। इन कागज की शीट्स पर इस तरह के खाने और लाइंस होती हैं जिनमें आदादो शुमार लिखे जाते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अकाउंट्स का काम करने वाले मैन्युअली यानी हाथों से स्प्रेडशीट तैयार करते हैं। इसको कंप्यूटर पर भी किया जा सकता है जिसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। इसकी एक मिसाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम आदाद शुमार और हिसाब किताब का काम बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ खाने या सेल्स होते हैं जो कि रोज और कॉलम की शक्ल में होते हैं। इनमें आदाद शुमार लिखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। हर सेल का नाम उसके कॉलम और रो नंबर से मिलकर बनता है। मसलन ये सेल बी कॉलम में है और रो 4 में है और इस तरह इसका नाम B4 होगा। और फिर इन पर मुख्तलिफ फार्मूलाज लगाकर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये चंद नंबर एंटर किए हैं। अगर हम इन सब को जमा करना चाहें तो सेल्स के नामों की मदद से हम फार्मूला लिख सकते हैं और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करने से रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब अगर हम किसी सेल में वैल्यू बदलते हैं तो रिजल्ट भी खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। अगर हम इनकी एवरेज निकालना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इस तरह के और बहुत से काम करने के लिए इसमें बने बनाए फॉर्मूला या फंक्शंस मौजूद होते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को ग्राफ या चार्ट के जरिए दिखाने की सहूलत भी मौजूद होती है। मसलन ये चार्ट पिछले 5 सालों में कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा आप अपना काम महफूज या सेव कर सकते हैं और बाद में इसको दोबारा देख और तब्दील भी कर सकते हैं। ये सब काम आपको जिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के जरिए दिखाई जा रही हैं, उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर।
आइए अब हम एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखते हैं जिसे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिंदगी में हमें कभी ना कभी अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत पड़ती है। मसलन आप अगर अपना कोई प्रोजेक्ट अपने ऑफिस वालों या क्लाइंट्स को दिखाना चाहते हैं या स्कूल में अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो आपने उसे पूरी क्लास के सामने पेश करना होता है। इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या प्रोजेक्टर को यूज करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस काम को तैयार करके पेश करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी है और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम कोई इन्फॉर्मेशन एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर से तैयार करदा प्रेजेंटेशन में लिखाई या टेक्स्ट के अलावा आवाज और तस्वीर भी शामिल की जा सकती हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन को अलहदा अलहदा पेजेस पर लिखा जाता है जिनको स्लाइड्स कहा जाता है। आप अपनी मर्जी से इन स्लाइड्स के रंग और अल्फाज चेंज कर सकते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर जिस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। जिस तरह बाकी दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में किए गए काम को महफूज किया जाता और बाद में देखा और तब्दील किया जा सकता है, इसी तरह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में भी किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इन तमाम सॉफ्टवेयर्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट का लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है जिसके बनाए हुए बहुत से सॉफ्टवेयर्स आसानी से दस्तयाब हैं। समरी। इस लेसन में हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमने सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ इकसाम मसलन सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। इसके अलावा हमने देखा कि सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये क्या काम करता है।